डिसएंगेजमेंट की सहमति बनने के महज 48 घंटे के भीतर ही चीन क्यों पलट गया अपने वादे से। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे चीनी सेना द्वारा गलवान घाटी और डेप्सांग प्लेन्स में एक बार फिर से भारतीय सेना के लिए खड़ी की जा रही मुश्किलों के बारे में। बाईस जून को भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स के बीच में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें इस बात पर सहमति बन गई थी कि पूर्वी लद्दाख में जितने भी विवादित इलाके हैं जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच में फेस ऑफ या टकराव की स्थिति बनी हुई है, वहां पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच में डिसएंगेजमेंट हो जाएगा। डिसएंगेजमेंट माने कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे पीछे चली जाएंगी, यानी कि जो टेंशन है वो डिफ्यूज़ कर दी जाएगी, यानी कि जो तनातनी बनी हुई है पिछले दो महीने से भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, खासतौर से पूर्वी लद्दाख से सटी हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, उसको खत्म किया जाएगा। इस बैठक के 48 घंटे के भीतर ही चीनी सेना ने एक बार फिर से गलवान घाटी में अपनी ऑब्जर्वेशन पोस्ट यानी कि निगरानी पोस्ट तैयार कर ली है। आपको बता दें कि 15 और 16 जून की दरमियानी रात जो गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हुआ था भारत और चीन की सेनाओं के बीच में, वो इसी निगरानी पोस्ट को लेकर हुआ था, जिसे भारतीय सेना की जो 16 बिहार रेजिमेंट थी उनके सैनिकों ने आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि चीनी सेना ने भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर की धोखे से हत्या कर दी थी। इस हिंसक संघर्ष में भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू सहित कुल 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए थे, साथ ही बड़ी तादाद में यानी कि 76 सैनिक घायल भी हुए थे। ये माना जा रहा है कि चीनी सेना को भी इस खूनी झड़प में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था, यानी दो गुना नुकसान उठाना पड़ा था, और उसके बाद ही चीनी सेना ने ये डिमांड की थी, रिक्वेस्ट किया था कि बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया जाए, और इसीलिए चीन के अनुरोध पर 22 जून को दोनों देशों के जो कोर कमांडर्स थे उन्होंने मोल्डू में, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ मोल्डू में, बैठक की थी, और उसी 11 घंटे की बैठक में, मैराथन बैठक में, इस बात पर सहमति बनी थी कि डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। लेकिन चीन ने बातचीत के टेबल पर तो सहमति बनाई, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद ही उसने अपनी वहाँ पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बना ली, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि चीन आखिरकार ऐसा क्यों कर रहा है। साथ ही इसके साथ साथ यानी कि गलवान घाटी के साथ साथ पेंगोंग सो लेक में पहले से भी दोनों देशों के सेनाओं के बीच में तनातनी है, फिंगर एरिया में भी फेस ऑफ बना हुआ है, फिंगर एरिया की 5 से 8 का जो एरिया है वहाँ पर कब्जा किया हुआ है चीन ने, गोगरा पोस्ट पर भी तनातनी चल रही है, तो ये चार पहले से ही थे, और अब ये जानकारी मिल रही है कि डेप्सांग प्लेन्स जो है, जो कि दौलत बेग ओल्डी DBO के बेहद करीब का इलाका है, वहाँ पर भी चीनी सेना भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग करने से रोक रही है, वहाँ की पेट्रोलिंग करने में बाधाएं पैदा कर रही है। यहाँ पर जो डेप्सांग प्लेन्स में 5 पेट्रोलिंग पॉइंट यानी PP पॉइंट्स हैं 10 से 13, वहाँ पर चीनी सेना रुकावट पैदा कर रही है। ये डेप्सांग प्लेन्स इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये काराकोरम पास जो है भारत और चीन के बीच में, वहाँ पर उसके बेहद करीब का इलाका है। काराकोरम पास स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सामरिक महत्व का दर्रा है, और ये वहाँ पर जाके मिलता है जहाँ पर शकजम वैली, जो कि पाकिस्तान ने चीन को 1963 में दे दी, यानी कि एक ट्राई जंक्शन की तरह है ये इलाका भी, तो इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ पर चीनी सेना ने इस डेप्सांग प्लेन्स में जो दो नाले हैं, रक्की नाला और जीवन नाला, इनके बीच के जो पेट्रोलिंग पॉइंट हैं वहाँ पर जो उत्पन्न कर रही है बाधा, उसके साथ साथ जो उसका पीछे का इलाका है वहाँ पर भी काफ़ी बिल्टअप किया है, मिलिट्री बिल्टअप किया है। उसके मायने ये हैं कि चीनी सेना ने वहाँ पर अपने बड़ी तादाद में सैनिक, गाड़ियाँ और स्पेशल इक्विपमेंट को वहाँ इकट्ठा कर लिया है, तो चीन के जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लगते हैं। वो ऐसा लगता है कि बातचीत की जो टेबल है उस पर कुछ और बोलता है, और ऑन ग्राउंड यानी ज़मीनी हकीकत उसकी कुछ और है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट है। ये जो डेप्सांग प्लेन्स में और गलवान घाटी में जो एक बार फिर से चीन ने इस तरह की हरकत की है, ये उस वक्त की जब खुद थलसेना प्रमुख जनरल MM नरवणे पूर्वी लद्दाख के दौरे पर थे। उन्होंने पूर्वी लद्दाख में जो गलवान घाटी के योद्धा थे जो घायल हुए थे उस हिंसक झड़प में, उनसे मुलाकात की, उनको सम्मानित किया। जो और भी सैनिक वहाँ पर तैनात हैं जिन उनकी बहादुरी के लिए, उनकी कर्तव्य परायणता के लिए, उनको सम्मानित किया था, और साथ ही अपने कमांडर्स को ये निर्देश दिया कि चीनी सेना पर कड़ी नज़र रखी जाए, पैनी नज़र रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की अगर कोई हरकत होती है चीनी सेना द्वारा, कोई मूवमेंट होती है, घुसपैठ होती है अपनी सीमा में, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन डेप्सांग प्लेन में जिस तरह से एक बार फिर से चीनी सेना ने रोकने की कोशिश की, तो ऐसा लगता है कि चीन की जो मंशा है वो कुछ और है। वो दरअसल ऐसा लगता है कि वो चाहता है कि एग्रेसिव पोस्चर दिखाए, बातचीत तो करे ही, बातचीत के दौरान ऑन ग्राउंड जो है अपने आप को एग्रेसिव दिखाए, ताकि बार्गेन की पावर ज़्यादा हो, यानी कि वो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को और पश्चिम की ओर यानी कि पूर्वी लद्दाख में भारत की तरफ खिसकाना चाहता है, जिससे कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो विवादित इलाके हैं, चाहे वो गलवान घाटी हो, फिंगर एरिया हो, या फिर ये डेप्सांग प्लेन्स हो, वहाँ पर और इलाकों पर कब्जा कर सके। लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह से चीनी सेना की किसी भी हरकत को पूरा नहीं होने देगी, यानी कि जो भी उसकी तरफ से कोई भी हरकत होती है इस तरह घुसपैठ करने की या कब्जा करने की, उसको नाकाम कर दिया जाएगा।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।